सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप फ्री फायर को मोबाइल पे खेलते हो और मोबाइल पे ये जो आप जॉयस्टिक देख रहे हैं ये कभी कभी स्टक हो जाता है, जैसे कि अभी यहां पर मैं खेल रहा हूं और अचानक से अपने आप से जो जॉयस्टिक है काम करने लगेगा और कभी कभी ऐसा होगा कि आप टैप करोगे तो ये टैप भी नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, अगर आपके साथ जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम हो रहा है, अटक जा रहा है जॉयस्टिक और कभी कभी ये टच करने के बाद थोड़ी देर बाद में काम करना है और कभी कभी आप टच कर लेते हो फिर भी काम नहीं करता, तो ये अलग अलग टाइप के जॉयस्टिक का प्रॉब्लम होता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हो, जॉयस्टिक का प्रॉब्लम क्यों होता है, तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नया रहो तो फ्री फायर के ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो अभी आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जॉयस्टिक का प्रॉब्लम क्यों होता है, किस वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे बोला जाता है जॉयस्टिक, और ज़्यादातर ये जो जॉयस्टिक का प्रॉब्लम है ये पूरा पीसी में ही होता है। पीसी जितने भी लोवेंट्स होते हैं उनमें अपने आप से काम करने लगेगा, कभी कभी खेलते रहोगे अचानक से ऐसे हो जाता है फिर कोई भी बटन काम नहीं करता, तो ये पीसी का प्रॉब्लम है। लेकिन ये मोबाइल में भी हो सकता है। इसका पहला रीज़न ये है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बटन इसके पास रखते हो, यानी कि यहाँ पर आप देखो ये जो रनिंग का बटन है इसको मैंने इसके पास रखा है। अभी मैं आपको HUD दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर अभी मैं कस्टम HUD लेके आ गया ये वाला, क्योंकि वो वाला जो था उसका विजुअल नहीं था सब बटन। अब यहाँ पर देखो ये जो आप बटन्स देख रहे हो इसको मान लो मैं यहाँ पर रखता हूँ, अभी तो मैं PC पे खेल रहा हूँ, लेकिन मान लो आप एक मोबाइल प्लेयर हो और यहाँ पर अगर आप इसको रखते हो तो वैसे में क्या होगा, इसको अगर आप टैप करोगे, ये मान लो यहाँ पर रहेगा, इसको टैप करोगे तो कभी कभी गलती से ये टैप हो जाता है, तो इसके वजह से होता है। अगर आप एक नया प्लेयर हो आपको पता नहीं होगा, शुरुआत में बहुत सारे ऐसे ही प्रॉब्लम होते हैं, तो इसका पहला छोटा सा रीज़न हो सकता है। अगर आप ज़्यादा बटन यहाँ पर 3, 4, 5, 6 बटन पूरा चारों तरफ 3 फिंगर 4 फिंगर से खेल रहे हो तो वैसे में हो सकता है कि आप गलती से इसको टैप कर लो, तो वैसे में आपको लगता है कि जॉयस्टिक का प्रॉब्लम है। तो अगर आपने ज्यादा बटन्स यहां पर कर रखे हैं, यहीं पर ज्यादा टैप करते हो, तो आपको 2-4 बटन को इधर उधर रख लेना है, सभी बटन को इसके पास रखोगे तो प्रॉब्लम तो होगा यार, कभी गलती से ये भी टैप हो जाएगा, तो आप 1 से 2 बटन यहां पर रखो, ज्यादा बटन आपको नहीं रखना है। तो अब इसका दूसरा रीजन हो सकता है वो है इसका साइज, यानी कि आप ये जो जॉयस्टिक देख रहे हो इसका साइज एकदम कम कर देते हो, एकदम छोटा कर देते हो। किस वजह से? ताकि आप एनिमी को देख सको, अच्छे से देख सको, आप स्क्रीन ज्यादा बड़ा देख सको, इस वजह से बंदे इसको छोटे कर लेते हैं और ये भी समझते हैं कि छोटे करने से मूवमेंट बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बड़ा रखोगे तो ज्यादा अच्छे से आप कंट्रोल कर पाओगे, अच्छे से आप एडजस्ट कर पाओगे। अभी आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर ये कस्टम HUD और यहां पर इसका जो साइज है ये अभी डिफॉल्ट है, तो आपको इसको डिफॉल्ट ही रखना है, या फिर आप चाहो तो इसे बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा रखने का मतलब नहीं है, 40-50 के आसपास ही रखो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल छोटा नहीं रखना है। छोटा रखने से होता यह है कि एकदम खटाखट काम करने लगेगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मान लो कि मैं ऐसे टैप कर रहा हूँ तो PC में तो अच्छे से कंट्रोल करते बन जाएगा, क्योंकि 4 बटन से आगे पीछे से हम ऐसे कंट्रोल करते हैं WASD से, तो अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो 1 फिंगर से ऐसे ऐसे घुमाना रहेगा ना, तो कब कहाँ से कहाँ घूमेगा कुछ पता नहीं चलेगा और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और बटन जो अगर छोटा रहता है तब तो भाई जॉयस्टिक प्रॉब्लम होता ही होता है, तो आपको बड़ा रखना है, बड़ा रखने से आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और इस प्रॉब्लम से तो यार मुक्ति पा ही जाओगे। तो ये हमारा दूसरा रीज़न है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी आपको मैं बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ तीसरे रीज़न के बारे में, तीसरा क्या कारण हो सकता है। तो तीसरा कारण हो सकता है यार, वो आपके साथ ही हो सकता है, मतलब आपके वजह से ही हो सकता है, वो है फिंगर्स। मतलब कि अगर आपके फिंगर में ऑयल्स वगैरह रहते हैं, पसीना रहता है और वैसे में आप गेम खेलते हो तो कभी कभी आप इसको टैप करोगे ना तो मतलब स्क्रीन काम नहीं करता, आप ऐसे टैप करोगे और कोई दूसरा जगह टैप हो जाता है। तो अगर आप मतलब सूखे हाथ में नहीं खेलते, तेल वगैरह रहता है हाथ में, गीला रहता है, तो वैसे में खेलोगे यार तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो आप अच्छे से खेलो, मतलब फिंगर वगैरह अच्छे से पहले साफ कर लो, उसके बाद खेलो। और इसका एक और मेन रीज़न हो सकता है वो है नाखून, यानी कि आपके फिंगर्स का नाखून जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, तो बड़ा रहने की वजह से आप जैसे टैप करोगे और वैसे में बीच में अचानक से नाखून आ जाएगा तो वहाँ पर मतलब रुक जाता है स्क्रीन। तो नाखून आपको हमेशा छोटा रखना है ताकि जॉयस्टिक का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नाखून अगर बीच में आ जाता है ना तो जो टच रहता है वो ऊपर हो जाता है, फिर अगेन टच होता है, मतलब फिर से टच होता है, तो वैसे में फिर से एक बार जॉयस्टिक ऐसे होगा फिर ऐसे होगा तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा ही प्रॉब्लम है, आपको ऐसे ही इसको फिक्स करना है। तो इस प्रॉब्लम के जो भी मेन रीजन थे वो आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं कुछ और भी रीज़न बता सकता हूँ जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, पर उसके होने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है, वो है आपके फ़ोन का डिस्प्ले का ख़राब हो जाना। यानी कि अगर आपका फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हो चुका है, एकदम लो एंड फ़ोन है, डिस्प्ले पूरा ख़राब हो चुका है, टच ख़राब हो चुका है, तो वैसे में आपको टच चेंज कराना पड़ेगा, फ़ोन का डिस्प्ले बदलवाना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर यहीं पर बस का टच काम नहीं करता है तो इसको उठाओ और यहाँ पर रखो, कस्टम HUD चेंज कर लो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ़ोन में मल्टी टच ही काम ना करे, यानी कि 2 से 3 फिंगर में अगर आप टैप करते हो, 3-4 फिंगर में एक साथ खेलते हो, तो अगर मल्टी टच सपोर्ट नहीं है, यानी कि 4
चार पांच उंगली से एक साथ टैप करने का स्क्रीन में सपोर्ट नहीं है ऐसा, तो वैसे में आपका फ़ोन ऐसे मल्टीटच को सपोर्ट नहीं करेगा और इसके वजह से जॉयस्टिक प्रॉब्लम होना तो एकदम कॉमन है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो आपके फ़ोन में कितने फिंगर एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि देखो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये अभी मैंने टैप किया और इसी के साथ मैं एक और फिंगर से, मान लो कि अभी एक और फिंगर से मैं ऐसे फायर करता हूँ, ठीक है, तो दो काम एक ही साथ हो रहे हैं। तो जैसा कि अगर आपके फ़ोन में ऐसे दो फिंगर, तीन फिंगर, चार फिंगर कंटिन्यू काम करने का जो फीचर है मल्टीटच है, वो अगर काम नहीं करता, मतलब वो है ही नहीं आपके फ़ोन में, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप एकदम जल्दी जल्दी खेलते हो, चार पाँच उंगलियों से खेलते हो, तो आप कम फिंगर से खेलो, मल्टीटच ज़्यादा ना करो। और अगर आपको चेक करना है कि कितने फिंगर सपोर्ट करते हैं, कितना मल्टीटच सपोर्ट है, तो आप गूगल प्ले स्टोर में मल्टीटच टेस्टर डाउनलोड करो कोई भी ऐप, उसके बाद उसको इंस्टॉल करके चेक कर लो। तो बाकी मल्टीटच का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराने फ़ोन में मल्टीटच का सपोर्ट नहीं होता। बाकी अभी के जितने फ़ोन हैं उन सभी में मल्टीटच बहुत ज़्यादा होता है, 10-10 फिंगर तक काम करता है। तो जॉयस्टिक प्रॉब्लम को फिक्स करने के जो भी तरीके थे, जो भी रीजंस थे, जो जो कारण से हो सकते हैं, वो सभी आपको मैंने बता दिया। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करने का तरीका पता चल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वीडियो को लाइक करो और भी ऐसे फ्री फायर के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।